फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली ऑटोमेटिक पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन की वीडियो पहले हमने बहुत सारी डाली हुई है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक मॉडल को शो किया हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की कमेंट के हिसाब से हमने डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी ने कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल साइज में 100% सक्सेसफुल गैस ऑपरेट पॉपकॉर्न मशीन, एलपीजी पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन को बाजार में लॉन्च कर दिया है, मार्केट में लॉन्च कर दिया है। और प्लस मशीन 100% सक्सेसफुल है दोस्तों, 100% सक्सेसफुल मशीन बनाई है डॉल्फिन अप्लायंस ने। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट और कॉम्पैक्ट साइज की पॉपकॉर्न मशीन एलपीजी ऑपरेट क्यों है दोस्तों? क्योंकि कई कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको रोड के ऊपर बाजार में बिजनेस करना है, जहां पे बिजली पावर का उपलब्धि या आवश्यकता नहीं है, वहां पे उनको ये मशीन को यूज करानी है। तो उसके लिए हमारी कंपनी ने, डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी ने स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज की एलपीजी पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन लॉन्च की है दोस्तों। ये मशीन को चलाने के लिए आपको एक छोटी सी बैटरी यूज करनी है, जिसकी वजह से इसके अंदर की छोटी मोटर को ऑपरेट होगी और गैस का उसको हीटिंग करने के लिए एलपीजी छोटा बोतल या बड़ा बोतल, जैसा आपका कैपेबिलिटी वैसी आप बोतल बाजार में ले जा सकते हो। यह मशीन एकदम स्मॉलेस्ट साइज की है, अराउंडली मशीन की वजन है 14-15 kg वजन है, 14-15 kg है मशीन की वेट है दोस्तों। आप इसको उठा के कहीं पे भी साइकिल है, ई रिक्शा है, रेकड़ी है, लारी है, या तो बाजार के ऊपर रोज उठा के काउंटर के ऊपर रख के अपना एक बिजनेस कर सकते हो। एक कप इस तरह का पॉपकॉर्न का अगर आप भर के बाजार में सेल करते हो, तो आपको कप बनाने का खर्चा 1.40 रुपया का गिरेगा, जिसमें 40 पैसे का कप हुआ और 1 रुपए का पॉपकॉर्न हुआ। बाजार में 10 रुपए में एक कप बिकता है, लेकिन आप मिनिमम 5 रुपए में भी एक कप सेल करेंगे तो भी आपको एक कप पे 3.5 रुपए का प्रॉफिट पड़ेगा। मशीन के अंदर अगर आप डेली यूज करते हो तो समथिंग इस टाइप का आप डेली 1000-1200 कप का प्रोडक्शन ये मशीन के अंदर से 5-6 घंटे के अंदर आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, टाइम को गवाए बिना मशीन को ऑपरेट करते हैं, मशीन को चलाते हैं कि मशीन कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मॉलेस्ट और इतनी की साइज की पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन है। मशीन का हम डोर खोलेंगे, यहाँ पे इसका लाइटर जलाने के लिए लाइटर दिया गया दोस्तों, और यहाँ पे इसका चार्जर है। अगर आपको इसको शॉप में भी यूज करनी है तो आप शॉप में भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आप चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये चार्जर का इस्तेमाल करने से आपको इसके अंदर डबल कैपेबिलिटी ली है हमने, आप बैटरी से भी चला सकते हो और चार्जर से भी चला सकते हो। जैसे कि हम इसको चार्जर को ऐसे फिट करेंगे, ये चार्जर को ऐसे लगाया और एक साइड इसको हम 220 वाट का पावर देंगे, डायरेक्ट लाइन पावर स्टार्ट हो चुका है। और अभी हम इसको चार्जर का पावर प्लग इन कर दिया हमने दोस्तों, इसके अंदर अभी हम मेन पावर आ चुका है इसके अंदर, इसलिए भी मेन पावर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे चार्जर का लाइट ग्रीन जल चुका है। अभी मशीन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से अपना मशीन की लाइट स्टार्ट हो चुकी है, जो मशीन के अंदर बल्बिंग सिस्टम दिया, लाइटिंग सिस्टम है, वो स्टार्ट हो चुकी है। मशीन की मोटर सिस्टम है, जो मोटर घूमेंगी, आपने जो मटेरियल डाला है उसको मिक्सर बोलते हैं, उसको मोटर घूमने के लिए यहाँ पे दूसरा स्विच दिया है, जिसकी वजह से आपकी मोटर घूमेगी। देखिए, यह मोटर स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से आपने जो अंदर रेसिपी डाला है, हल्दी डाला है, ऑयल डाला है, पॉपकॉर्न के दाने डाले हो, तो वो सब टोटली इसके अंदर मिक्स होते रहेंगे बाउल के अंदर। अभी हमने इसको आपको पावर पे चला के दिखाया, अभी हम इसको पावर को रिमूव कर देते दोस्तों। ये पावर हमने कर दिया रिमूव, ये पावर का चार्जर हमने निकाल दिया टोटल, ये रिमूव हो चुका है। इसको हम चार्जर को साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक छोटी सी हमने बैटरी ली है, कॉम्पैक्ट साइज की, जो गाड़ी, टू व्हील, एक्टिवा है, होंडा स्कूटर में लगती है। ये बैटरी लगाने से आपको 7-8 घंटे तक अपना बिजनेस कर सकते हो। एक बार चार्जिंग फुल करने से 7-8 घंटा कंटिन्यू बिजनेस कर सकते हैं। अभी हमें बैटरी का कतार यहाँ पे एक ब्लैक और रेड दिया गया, देख सकते हैं, एक ब्लैक कनेक्शन है, एक रेड कनेक्शन है। अभी ये कनेक्शन को हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, ये रेड का तार हम रेड में लगाएंगे यहाँ पे, ये रेड का तार हमने यहाँ पे रेड पे लगा दिया है, और यहाँ पे ब्लैक का तार हम ब्लैक पे लगाएंगे। ये अपना बैटरी का पावर दे दिया इसको, इसलिए अपना पावर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम लाइट स्टार्ट कर देंगे, लाइट स्टार्ट हो चुका है, मोटर स्टार्ट करेंगे, मोटर स्टार्ट हो जाएगा इसका। अभी हम इसका रेसिपी यूज करेंगे, हमने ऑलरेडी एलपीजी का सिलेंडर तो लगा दिया हीटिंग के लिए, एलपीजी का सिलेंडर है छोटा पोर्टेबल, इससे भी छोटा आप लगा सकते हो, इससे बड़ा भी लगा सकते हो, जैसा आपका ले जाने का कैपेसिटी। ये बोतल लगा दिया यहाँ पे, हमने कनेक्शन भी दे दिया इसका, एलपीजी कनेक्शन, और यहाँ पे इसका बर्नर का जो स्लो हाई का आप मेजरिंग कर सकते हो। अभी हमारे पास दोस्तों यहाँ पे हमने हल्दी लेके रखा हुआ, ये हल्दी पड़ा है हमारे पास, हम थोड़ा इसमें हल्दी डालेंगे। अब देखिए, टैंक के थोड़ा झूम करके पास से बताओ, ये हल्दी हम यहाँ पे फिलअप करें, ढक्कन खोलेंगे और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे एक चम्मच भर के इसमें,
ये हमने हल्दी डाल दी है, उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट पड़ा हुआ है, ये सॉल्ट पड़ा हुआ है, हम सॉल्ट डालेंगे इसमें, आधा चम्मच सॉल्ट डाल देंगे। आप रेसिपी के हिसाब से अपने हिसाब से बना सकते हो, तो मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ कि कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमने डाल दिया इसमें, अभी इसमें डालेंगे हम थोड़ा ऑयल है हमारे पास, ये ऑयल फिल डालेंगे इसमें, और थोड़े डाल देंगे दाने भी डाल देंगे जो हमारे पास से दाने पड़े पॉपकॉर्न के। ये पॉपकॉर्न के दाने डाल दिए हमने, अभी इसका ढक्कन कर देंगे बंद। यहाँ से ये बंद हो चुका, अभी इसका मोटर स्टार्ट बंद कर देंगे। ये मोटर हो चुका है इसका, घूमने के लिए सर्कुलेट हो चुका है। दिखाइए जरा जूम करके कैसा घूम रहा है अंदर, अंदर जूम करके दिखाइए बाउल के अंदर के कैसा वो मोटर काम कर रहा है उसका। लाइव व्यूअर हमारे व्यूवर्स को दिखना चाहिए कि अंदर क्या ऑपरेट हो रहा है। आप देखिए, ये टोटली ऑयल है, हल्दी है, नमक है, दाने हैं, वो अच्छे से प्रॉपरली अंदर मिक्सिंग हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे पहले वाल देखेंगे, ऑन है इसका, वाल ऑन है ऑलरेडी। यहाँ पे हमारे पास लाइटर दिया गया, और यहाँ पे नीचे जो गैस निकलने वाला है, जो यहाँ से निकलना फायर होने वाला है, यहाँ से हम फायर को निकालेंगे। आप यहाँ से हम इसका स्टार्ट करेंगे, जब स्टार्ट देख सकते हैं फायर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कितना प्रेशर से आपको फायर रखना है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि हाई करना है, लो रखना है, कितना प्रेशर से आपको फायर को रखना है। अभी ये बर्नर को हीट दे रहा है, यहाँ पे जो टैंक दिया गया इसको हीटिंग दे रहा है, उसके टाइमिंग के हिसाब से अंदर हीटिंग होके अपना पॉपकॉर्न बेहतरीन क्वालिटी से बन जाएगा, पक जाएगा, पकने के बाद उबल के बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे अंदर पक रहा है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली। दिखाइए थोड़ा जूम करके, यहाँ पे हीटिंग जो आ रहा है दिखाइए जूम करके, आप देखिए पास आके दिखाइए। ये प्रॉपरली बर्नर जो हमने दिया है, स्टेनलेस स्टील बेस्ट क्वालिटी का बर्नर दिया है, और नीचे भी इसका आप देख सकते हैं बर्नर का जो नीचे टैंक है, वो भी जो स्टिक रहता है वो हिसाब से क्रिएट किया गया, बनाया गया इसके अंदर। मोटर भी अच्छे से घूम रहा है, लाइटिंग भी इसका स्टार्ट है, और इसका हीटिंग भी, पॉपकॉर्न भी बन रहा है प्रॉपर तरीके से। अभी हम रेडी होने के बाद अंदर से पॉपकॉर्न निकाल के आपको सर्विंग करके कप में बना के दिखाएंगे। तो वो हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक मॉडल भी ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक मॉडल भी, हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिक मॉडल पहले भी आपको दिखाए गए हैं, तो इस तरह का आप इलेक्ट्रिक मॉडल भी लेके डायरेक्ट पावर से भी चला सकते हो। अगर आपका कोई शॉप है, दुकान है जहाँ पे पावर का अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक मॉडल को भी चला के ऑपरेट कर सकते हो दोस्तों। ये आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू भी है, आगे कस्टमर जो खाने खड़ा रहेगा उसको भी ये चीज प्रॉपरली दिखेगी कि पॉपकॉर्न कैसे बन रहा है, कितना मटेरियल पड़ा है, कितना आपका माल स्टोरेज में पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपका जो स्टोरेज पड़ा रहेगा, आप इसको बना के एक साथ 20-30 ऐसे कप है, 30-40 कप बना के यहाँ पे स्टोरेज भी कर सकते हो आसानी से। और ये सब टोटली ये ग्लास रहेगा दोस्तों, प्लास्टिक रहेगा तो पिघल जाएगा, तीनों साइड, एक साइड फ्रंट साइड साइड ये भी साइड ग्लास है, कांच रहेगा, जिससे क्या होगा हीटिंग होने से आपको ग्लास में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर इसकी जगह आपने एक्रेलिक या प्लास्टिक कोई भी दूसरा मटेरियल यूज करते हैं तो वो पिघल जाता है उसके अंदर, इसके हिसाब से हमने इसमें ग्लास का यूजिंग किया हुआ है। इसमें ठंडा है तो अराउंड 4-5 मिनट का समय लगता है इसको हीटिंग होने के अंदर। एक बार उसका टैंक हीट हो जाता है, फिर दोबारा दूसरा लोट है, वो अराउंड 30 सेकेंड में आपको बन के निकलेगा। ये स्टार्ट हो चुका है बनना, स्माइल हमको आ रहा है इसका, सुगंध आ रहा है कि पॉपकॉर्न बन रहा है, और आवाज भी आ रहा है, दाने पक रहे उसकी आवाज भी आ रही है, इसलिए बनना स्टार्ट हो चुका है अपना पॉपकॉर्न। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका आवाज भी आ रहा है माइक में, तो दाने पक रहे उसका भी आवाज आ रहा है। तेरा ओनली 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के अंदर अपना पॉपकॉर्न बनके रेडी हो जाएगा, और आपके सामने सर्विंग करके हम उसको बताएंगे। इसका आप ट्रे भी यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर सर्विंग करना है आसानी से देना है तो निकाल सकते हैं। अभी कोई बीज है, कोई दाने है, अच्छे से पके नहीं है, प्रॉपर पके नहीं है, तो यहाँ पे आके वो नीचे गिर जाएंगे। यहाँ पे हमने बाउल दिया है, देखिए दोस्तों जो अपने दाने बचेंगे वो यहाँ पे टैंक के अंदर जो काने दिए इसके अंदर नीचे आ जाएंगे, और आप उसको रीयूज कर सकते हो, रीकाउंट यूज कर सकते हो। यहाँ से टैंक अपना मटेरियल वापस निकाल के वापस रीयूजिंग भी कर सकते हो, आपका मटेरियल वेस्ट या खराब या बिगड़ेगा नहीं इसके अंदर दोस्तों। इसमें आपको रेसिपी के हिसाब से जैसा भी बनाना है, जैसे कि आपको बटर वाला बनाना है, चीज़ वाला बनाना है, या कोई भी मसाला बनाना है, आपको हाजमा का जलजीरा बनाना है, तो सब पाउडर आप इसके अंदर ऐड करके एज अ पर रेसिपी के हिसाब से इसको क्रेटिंग कर सकते हो और बना भी सकते हो उसको दोस्तों।
ऑलरेडी पक चुका है इसलिए नीचे आ रहा है, टैंक में आ रहा है। बेहतरीन क्वालिटी का पॉपकॉर्न बन रहा है दोस्तों, आप देखिए एकदम गर्मा गर्म पॉपकॉर्न बन के तैयार है। अब देखिए दोनों साइड से बाउल ओपन हो चुके हैं। हमने जितना मटेरियल डाला है उसको पहले पक लेने देते हैं, उसको प्रॉपरली बन जाने देते हैं, उसके बाद पूरा बाउल खाली करके आपको हर एक ग्लास आपको भर के दिखाएंगे कि कैसा क्वालिटी का पॉपकॉर्न बन के तैयार हुआ है इसके अंदर दोस्तों। दोनों साइड हमने फोल्डिंग दिया है जिसकी वजह से उबाल आने से आसानी से पॉपकॉर्न अपना बाहर आसानी से निकल जाना चाहिए दोस्तों। और जितना अपना माल बंद कर दिया हीटिंग टोटल, ये भी जितना अपना मटेरियल पड़ा है उसको ऐसे घुमा देना है आपको। ये टैंक है इसको आपको ऐसे कर देना है, अब देखिए जितना अपना मटेरियल पड़ा है वो प्रॉपरली आ चुका है। ये एक लॉट बन चुका है, एक लॉट आप सर्विंग करो उतनी देर में दूसरा लॉट बना के रेडी रखो, बनाने के लिए छोड़ दो। ये आपका लोड बन चुका है, इसको आप आसानी से इसे कप में भर सकते हो दोस्तों। हम देखिए इसे कप में भर सकते हो, इसको कप में भर के कस्टमर को सर्विंग दे सकते हो। ऊपर से किसी को मसाला छाटना है, मसाला डालना है इसमें या कोई चीज डालना है तो इसे आसानी से आप डाल सकते हो। ये अपना पॉपकॉर्न बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। बहुत ही आसान इजी टू ऑपरेट है मशीन, कोई भी नया बंदा इसको आसानी से ऑपरेट भी कर सकता है और बेहतरीन अच्छे में अच्छी प्रॉफिट अच्छे में अच्छी कमाई कर सकता है। बेस्ट क्वालिटी का पॉपकॉर्न बनके अपना रेडी हो चुका है दोस्तों। इसके अंदर मसाला डालना है कोई चीज डालना है आपको, बेस्ट टेस्ट है, अच्छे में अच्छी क्वालिटी का बेस्ट टाइप का मटेरियल आप अपने कस्टमर को रोड के ऊपर बाजार के ऊपर लाइव और ताजा पॉपकॉर्न बना के खिला सकते हो दोस्तों। मेन मशीन की खासियत वो है, पैकेजिंग वाला तो सब देते हैं, सब जगह बाजार में मिलता है, लेकिन आप लाइव एक चीज कोई भी जगह पे, छोटा सा गांव है, छोटा सा एरिया है, बड़ा सिटी है तो वहां पे रोड एरिया है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, कहीं पे भी ले जाके इस तरह का आप बिजनेस कर सकते हो। इस तरह का एक कप आपको एक कप बनाने का खर्चा दोस्तों ₹1.40 में गिरता है, जिसके अंदर कप आ गया, पॉपकॉर्न का दाने आ गए, इसके अंदर हल्दी आ गई, ऑयल आ गया, पावर आ गया, टोटली चीज मिला के ₹1.50 में गिरेगा। आप बाजार में आसानी से ₹5-₹10 में सेल कर सकते हो, एक कप पे ₹3.50 का प्रॉफिट या मुनाफा कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन, गैस पॉपकॉर्न मशीन या इलेक्ट्रिक पॉपकॉर्न मशीन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की आप मशीन लेना चाहते हो दोस्तों, तो डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में एक बार कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। मशीन की प्राइस क्या है, मशीन कितने मिलती है, कैसे डिलीवर मिलती है, कितने टाइम के अंदर डिलीवरी मिलती है, हर एक जानकारी के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।